तो फ्रेंड्स, आज है भैया द्विज और सुबह की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। तो मेरा नाश्ता बन रहा है, मैंने नाश्ते में बना रही हूँ पनीर पकौड़ा। तो उनसे चलो आप लोगों के साथ शेयर करती थी। बेसन को घोल लिया है और ये रखा है मेरा पनीर। पनीर को काट लिया है, उसमें डाल दिया मैंने नमक बेसन में, और थोड़ा सा हींग डाल दिया है, हल्का सा मिर्च डाला है और हल्दी डाल दी थोड़ी कलर के लिए। तो बस मैंने पेस्ट बना कर रख दिया है। अब थोड़ी देर के बाद इसको मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल रख दिया, तेल मेरा गर्म हो जाएगा जैसे ही, वैसे मैं इसमें पनीर लपेट के डाल दूँगी। तो अब मेरा नाश्ता रेडी होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है गोवर्धन, सभी लोगों को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये हम बना रहे हैं पनीर पकौड़े, ये देखिए इस तरह से लपेट के बस कढ़ाई में डाल के निकाल दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मेरा छोटू सा ब्लॉग है आज, ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट होगा, उनको दो मिनट का छोटा सा ब्लॉग है। तो मेरा इसमें भैया द्विज और गोवर्धन पूजा दोनों का ही ब्लॉग है ये। तो मैंने गोवर्धन बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से गोवर्धन की पूजा और भैया द्विज की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग डाल देती हूँ छोटा सा दोनों दिन के लिए, क्योंकि घर में इतना काम रहता है कि ब्लॉग ही नहीं बन पाया। तो मैंने सोचा चलो ये जो बना हुआ छोटा सा क्लिप थी तो मैंने उसी को ही शेयर करने की कोशिश की है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, ढेर सारी आप लोगों को खुशियाँ मिले, ढेर सारी आप लोग तरक्की करें, आपके घर में लक्ष्मी बरसे और खूब सारा आप लोगों को साल भर प्यार मिले। यही सब दुआओं के साथ ही मैं आप लोगों से हैप्पी गोवर्धन और हैप्पी भैया द्विज की शुभकामनाएं देती हूं। तो फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर करिए अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे आपको।